अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। पहले तो मैं आपको सानिया, सेनेटर सानिया, आपको ख़ास मुबारक देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा आइडिया था कि हमारे मुल्क में कोई भूखा ना सोए, इसका आगाज़ किया आपने। और ये मैंने आपको आइडिया दिया था, उसके बाद फिर आपने उसको डेवलप किया आइडिया को कि हम कैसे, सोचा कि क्या छोटी दुकानें बनाएंगे, क्या करेंगे। और फिर ये जो आइडिया कि एक ट्रक किचन, जिसके अंदर किचन होगा, वो रूट्स के ऊपर जाएगा, जो वो इलाके जिधर सबसे मुस्तहक लोग होते हैं, जो पसमांदा इलाके हैं, तो उनको वो ट्रक उन रूट्स के ऊपर चलेगा, तो ज़्यादा एरिया भी कवर कर सकेगा। तो आइडिया इसका पीछे ये था। और ये पहले हमने यहाँ एक पायलट प्रोजेक्ट किया, देखा कि किस तरह के मसले आते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा काम हो रहा था। और अब उसको इंशाल्लाह, ये जो आज आप देख रहे हैं कि आगाज़ कर दिया पेशावर में भी, लाहौर में भी और फैसलाबाद में भी, और इंशाल्लाह ये शुरुआत है। ये हमारा जो आइडिया है कि हम सारे पाकिस्तान में एक जाल फैला देंगे इन किचन्स का, ये जो मील्स ऑन व्हील्स यानी के ट्रकों के ऊपर किचन्स होंगे, और ये फिर सारे इलाकों को कवर करेंगे जिधर सबसे ज़्यादा गुर्बत है और जिधर बच्चे, गरीब फैमिलीज भूखा सोती हैं रात को। मैं आपको सिर्फ इसके पीछे एक फलसफा पहले बता दूँ। देखें, फ़लसफा ये है कि बरकत तो अल्लाह की आती है, नेमतें तो उसकी तरफ से आती हैं, कोशिश इंसान की होती है। मैं ये चाहता था कि हमारे मुल्क में जो गवर्नमेंट के अंदर लोग हों, जो हमारे वज़ीर हों, वज़ीर आला हों, उन सब के अंदर ये एहसास हो कि उनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत में आने के बाद, वो उस तबके की है जो का गरीब तबका है। और यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में यह चीज़ डाली लोगों में, जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो इनकलाब आया था। एक तो इंसाफ का इनकलाब आया था, रूल ऑफ लॉ का, कानून की बालादस्ती का। दूसरा इनकलाब यह था कि रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर और गरीब तबके की। और फिर हमारी दुनिया की तारीख गवाह है इस चीज़ की कि वही लोग जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, उन्होंने चंद सालों के अंदर दुनिया की इमामत की। कहने का मतलब ये है कि जो ईमान वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रास्ता दिखाया। आप जब नमाज पढ़ते हैं, आप सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पर लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उस रास्ते पे। तो वो जो रास्ता उन्होंने दिखाया मदीना की रियासत का, दुनिया की तारीख इस चीज की गवाह है कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन, सबसे बड़ी कौम वो बन के उठे। और जो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान में हम, जब हम कहते हैं कि वाहिद मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मुल्क अभी तक उस रास्ते पर क्यों नहीं चला? तो हालांकि हमारे मुश्किल हालात हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, कम पैसा बचता है आवाम पे खर्च करने का, उसके बावजूद जो अल्लाह का हमें हुक्म है कि हम उस रास्ते पे चलें, तो ये रास्ता कानून की बालादस्ती का रास्ता है, और दूसरा इंसानियत का रास्ता है कि हम जिम्मेदारी लें अपने कमज़ोर तबके की। तो इंशाल्लाह ये जो पहला कदम उठाया गया है, मैं पख्तूनख्वा में भी महमूद ख़ान आपको मुबारक देता हूँ, उस्मान बुज़दार आपको लाहौर में आपको मुबारक देता हूँ, क्योंकि अब बड़ा ज़बरदस्त, अभी आपको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं कि कितना बड़ा काम आपने शुरू किया है। और फिर फैसलाबाद में देखें, जब हम एक स्टेट जिम्मेदारी लेगी, घरों में खाना पहुंचाएगी, लोग जिस तरह लाइनों में खड़े होके, वो जो लोग
दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जब उनको रोटी मिलेगी तो अल्लाह की बरकत पाकिस्तान पे आएगी, ये मेरा ईमान है। और जब अल्लाह की बरकत आती है, फिर हमने देखा कि वो अरब जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, जिस तरह वो चंद सालों के अंदर खड़े हुए, तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह खड़ा होगा। मैं आज सलानी ट्रस्ट का ख़ास तौर पे उनका कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि असल में तो इसका जो नेमतें अल्लाह की आपको सबसे ज़्यादा आती हैं, जो इंसान जो आपका जो इदारा है जो ये काम कर रहा है कि लोगों को खाना देना, तो जो हमारे साथ मिलके आप ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन फिर जो इस मुल्क में बहुत बड़ी हमें पता ही नहीं कि कितना बड़ा हमारे मुल्क में असासा पड़ा हुआ है, वो लोग जो खैरात देते हैं इस मुल्क में, दुनिया में हमारा मुल्क चंद मुल्कों में से जिधर सबसे ज़्यादा लोग खैरात देते हैं, हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। मैंने शौकत खाना में ये देखा कि सब ने कहा जी हस्पताल तो बन गया, अब चलेगा कैसे, कैंसर हॉस्पिटल को चलाना बहुत खर्चा है, और फिर कैंसर के हस्पताल में 70% मरीजों का मुफ्त इलाज करना, ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। तो सब ने मुझे कहा कि ये नहीं चलेगा, हमने सिर्फ कोशिश की, हमने सिर्फ जो वादा किया था लोगों से वो पूरा करने की कोशिश की। हमने कहा कि ये एक ऐसा अस्पताल होगा जिधर एक गरीब मरीज आएगा कैंसर का, और क्योंकि बड़ा महंगा इलाज है कैंसर का, तो अगर उसके पास पैसे नहीं भी हुए हम उसका मुफ्त इलाज करेंगे, खाना भी देंगे, ठहराएंगे भी उसको। तो बड़ी सब ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, बड़े डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि ये हो भी नहीं सकता, लोगों ने कहा कि ये नामुमकिन चीज़ है। और जो पहला हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव आया वो 3 महीने के बाद छोड़ गया, उसने कहा 5% से ज़्यादा लोगों का इलाज आप कैंसर का मुफ्त नहीं कर सकते, ये हॉस्पिटल आपका बंद हो जाएगा। तो आपके सामने है कि वो भी हॉस्पिटल बना, 75% ज़्यादा से मरीजों का मुफ्त इलाज भी किया, दूसरा हॉस्पिटल भी खड़ा हो गया पेशावर में, और तीसरा बनने जा रहा है कराची में। और अब तक आपको हैरत होगी कि जो 70 करोड़ में हॉस्पिटल बना था, और ये मैं अब बात कर रहा हूँ आज से 25 साल पहले जो हॉस्पिटल बना था 25 साल पहले, उसने अब तक सिर्फ गरीब मरीजों के इलाज के ऊपर 50 अरब रुपया खर्च किया, 50 अरब रुपया। तो ये कैसे हो सकता है, कोई मेरे से पूछता कि क्या मेरे पास कोई मार्केटिंग डिज़ाइन है, कोई तरीका है, कैसे ये पैसे इकट्ठे होंगे, ये कौम ने पैसा दिया, इन्हीं लोगों ने हस्पताल बनाया भी चलाया भी, दूसरा भी बना दिया पेशावर में, तीसरा बनने जा रहा है कराची में। और ये याद रखें कैंसर का हॉस्पिटल बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसका इलाज बहुत महंगा है, उसकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बहुत महंगी है, कैपिटल इंटेंसिव है वो, तो उसको चला सकती है ये कौम। तो इंशाल्लाह ये जो हमारे सारे मुल्क में लोगों को खाना देंगे और ये देखेंगे कोई भूखा ना सोए, इसके ऊपर इसी तरह अल्लाह की बरकत आएगी, और इंशाल्लाह मैं आगे देख रहा हूँ कि ये पूरा एक जाल फैलेगा मुल्क में। मैं और भी जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुए हैं, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पनागा बनी है, लोग सड़कों पर सोते थे, बेचारे मजदूर आते थे, अगर उनको दिहाड़ी ना मिले वो ना किराया दे सकते थे ना घर पैसे भेज सकते थे बीवी बच्चों को, तो उन मजदूरों के लिए पनागाह बन गई हैं, उनको वहाँ खाना भी मिलता है, वो सोते भी हैं, नहाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, और आके फिर अगर दिहाड़ी नहीं मिली तो कम से कम वो जो पैसा बचता है उन वो जो भी पैसा वो घर तो भेज सकते हैं। इसलिए ये भी एक हमारा और इंशाल्लाह ये भी हमारा प्लान है कि सारे पाकिस्तान के उन इलाकों में जिधर मजदूरी ज़्यादा है, बाहर से आते हैं लोग मजदूरी करने, हर जगह के ऊपर हमारी पनागाह बनी हो। और फिर जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि 2 सूबों के अंदर जो हमारे नीचे है और इस्लामाबाद जो कि हमारी मेरी गवर्नमेंट के नीचे है, उनमें हम पहली दफ़ा इस मुल्क की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस का सबको
यानी सारे आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस देने का, इसका मत, इसको कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये हमारे से अमीर तरीन मुल्कों के पास भी ये नहीं है कि हर शहरी के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। एक खानदान, वहाँ बीमारी होती है, पैसे उनके पास नहीं है, तो हर खानदान के पास एक कार्ड हो कि 10 लाख रुपए तक वो किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। और इसका जो अगला स्टेप है, और इंशाल्लाह इस मुल्क में अब अस्पतालों का जाल फैलेगा, क्योंकि अभी तक तो अस्पताल शहरों में आते थे, बड़े शहरों के अंदर, क्योंकि पैसे वाले लोग तो बड़े शहरों में थे, तो छोटे शहरों में देहात में तो अस्पताल बनते ही नहीं थे। अब प्राइवेट सेक्टर जा रहा है वहां, क्योंकि हर शहरी के पास हेल्थ कार्ड होगा, वो कहीं भी जाके इलाज करवा सके। और हॉस्पिटलों में कंपटीशन होगी अब कि एक अगर हॉस्पिटल ठीक इलाज नहीं कर रहा, तो एक शहरी के पास हेल्थ कार्ड होगा, किसी भी और हॉस्पिटल में जा सकता है। तो हॉस्पिटल्स अपनी स्टैंडर्ड्स ऊपर करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे प्रेशर पड़ जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सजा जजा का कानून आ जाएगा, क्योंकि जब पता चलेगा कि हॉस्पिटल में कोई जा ही नहीं रहा और दूसरे हॉस्पिटल में जा रहा है, तो वो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट पूछेगी कि हम क्यों आपको रखें। इसलिए ये पूरा हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ कार्ड नहीं, हेल्थ सिस्टम है। तो मुझे इसका भी बड़ा फख्र है, और दोनों को, चीफ मिनिस्टर्स को मैं फिर दाद देता हूँ, महमूद खान को भी और उस्मान बुज़दार, जिन्होंने चैलेंज लिया। बड़ा ये आसान नहीं है, इसके लिए बड़े एक उस वक्त जब पहले ही पैसे की तंगी है, तो उन दिनों में पैसा निकाला हेल्थ कार्ड के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। इन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं फिर से जो आज आगाज़ किया हमने, और बिल्कुल रमज़ान के मुबारक महीने से पहले, मैं जितने भी लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम, जो कि अपनी ज़कात देना चाहते हैं, ये बेहतरीन तरीका है ज़कात देने का। आपके पास पूरे नंबर आ जाएंगे, हमारी वेबसाइट आ जाएगी, आप किसी तरह भी इसमें शिरकत करना चाहते हैं ज़रूर करें, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जब अवाम और गवर्नमेंट मिलेगी, तो इंशाल्लाह ये सारे पाकिस्तान में जाल फैलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।